शिवपुरी जिले में करेरा विधानसभा क्षेत्र में अवैध रेत खनन का गढ़ बन चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि जिले के विकास खंड नरवर करेरा के क्षेत्रों में जिला और क्षेत्रीय प्रशासन की मिलीभगत अवैध रेत खनन का कारोबार यहां बढ़ रहा है। रेत ठेकेदार प्रशासन से सांठगांठ करके सरकार के राजस्व को चूना लगा रहे हैं। करेरा थाने की सुनारी पुलिस चौकी क्षेत्र में कल्याणपुर रेत खदान से ठेकेदार को रेत उत्खनन करने की स्वीकृति शासन ने दी है, लेकिन रेत कारोबारी पपरीडू पंचायत क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन कर रहे हैं। वहीं आमोल पाठा चौकी क्षेत्र में अवैध खनन में सक्रिय हैं। अवैध रेत उत्खनन को लेकर शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री सिसोदिया ने कहा कि मैंने और प्रशासन ने अवैध रेत खनन रोकने का संकल्प लिया है, लेकिन प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? ये दबरासानी कल्याणपुर और दो गांवों से हो रहा है। नहीं तो किस चीज से हो रहा है रेत का अवैध उत्खनन? पनडुब्बी एलएनटी सिंह द्वारा, जीसीबी द्वारा, मतलब इस डंपरों द्वारा। इससे क्या हमारे रोड की दुर्दशा हो गई है। हमारे किसानों को गन्ना की फसल में आने जाने में भारी परेशानी होती है। हमारे लोगों की पाइपलाइनें भी खराब हो चुकी हैं। कल्याणपुर पपरीडू की पंचायत है, तो जो दबरा गांव में चल रहा है, धुआंधार काम चल रहा है सर। 200 गाड़ी निकल रही है, ओवरलोड।